कुणाल पंडित, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ रानी। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बहुत मुंबई का वेदर बड़ा ही अच्छा है, बारिश में मजे ही हाँ जी, हैं। अच्छी खूबसूरत बारिश है। और बारिश में ना गानों का, अच्छे गानों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सोने पे सुहागा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल 110% यार। आपने कहा था 5 साल की उम्र से आपने तालीम जो है वो शुरू कर दी थी, तो ये क्योंकि फैमिली में म्यूजिक का माहौल था इसलिए, या मतलब उसी समय आपको चॉकलेट खाते हुए समझ आया ये, इसमें मजा आ रहा है मुझे, मैं तो यही करूंगा? मैं सच कहूँ तो म्यूजिकली इंक्लाइंड बचपन से ही रहा हूँ। मैं जब 2 साल का था तब मुझे एक तबला प्लेयर बनना था, जब मैं 2 साल अच्छा, का था। 2 साल में तबला प्लेयर बनना था? हाँ जी, मतलब मुझे तबला बजाना था, मुझे तबला सीखना था, हाँ कॉन्सर्ट शूट करने थे। मैं सबको देखता था, उस्ताद जाकिर हुसैन से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। और अच्छा, तभी समझ समझ आ गई थी थोड़ी कि ये जाकिर हुसैन है, ये माइकल जैक्सन है। काम काम के लोग बचपन में ही समझ आ जाते हैं, ये शॉन माइकल्स है, WWE प्लेयर, जो भी हमारे फेवरेट्स। तो मैं मेरे घर के जितने वेसल्स होते हैं, जितने डब्बे होते हैं जिसमें खाना रखा होता है, कुछ रखा होता है, तो मैं वो सारे ही तोड़ दिया करता अच्छा। था। तो फिर उसके बाद तबले तबले का कुछ हुआ या फिर डब्बों पे ही रह गए सात? नहीं, तबले का हुआ। 5 साल का जब वो, तो डैडी ने मेरे को तबला ला कर दिया, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने मुझे हारमोनियम की तालीम देनी शुरू करी। बिकॉज आई थिंक एक एक जो मेलेडी मेलेडी वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक सिंगर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो म्यूजिक में अपना कदम रख रहा है तो, या तो वो कीज हो, पियानो हो, या फिर हारमोनियम हो। तो मैंने जी हारमोनियम स्टार्ट किया सीखना, उसके साथ साथ गाना भी, और फिर तबले की तालीम भी चल रही थी। देन लेटर लेटर ऑन आई रियलाइज कि मुझे फिर थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ मेरे पापा ने मेरा रुझान डाला। आप प्रोफेशनली म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं? चलिए अब ये बता, फिर ही जब पढ़ी आगे तो आपके साथ कब बढ़ी? प्रोफेशनली मैं जब 15 साल का था, प्रॉब्ली 15 साल का था, तो मैंने एज अ सेशन म्यूजिशियन काम करना स्टार्ट किया था विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, जैसे शमीर टंडन सर हो गए। अच्छा, मैं उनके लिए एज अ सेशन म्यूजिशियन काम करता था, जब वो अपने गाने पिच करते थे मूवीज के लिए, फॉर मधुर हाँ, भंडारकर सर एंड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स। या सो आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द म्यूजिशियंस देयर, और मैं साथ में गा लेता था। तो 15 साल की उम्र से मैंने एज अ सेशन प्लेयर स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड डूइंग लाइव शोज, फिर आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फॉर कपल ऑफ कंपोजर्स इन बॉलीवुड। मैंने ओके, तनिष्क बागची भाई के साथ काम करना स्टार्ट किया। फिर आई यूज टू क्रिएट स्क्रैचेस फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। जावेद मोहसिन भाई के लिए गाना स्टार्ट किया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। आई प्रोड्यूस फॉर साजिद वाजिद सर। आई बीन रियली लकी टू वर्क विद वाजिद भाई इन 2016। आई प्रोड्यूस फॉर हिम, उनके लिए भी एक एल्बम की। और बस फिर गाने की भी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। देन आई सैंग कपल ऑफ सॉन्ग्स फॉर आई सैंग अलबेला सजन फॉर संजिला बंसाली सर इन बैक इन 2012। मेरा दोस्त श्रेयस पुराने, बहुत टैलेंटेड कंपोजर सिंगर, ही यूज्ड टू वर्क विद हिम, ही स्टिल वर्क्स विद हिम। तो उसने मुझे बंसाली सर के लिए एक नहीं बल्कि 2 गानों के लिए बुलाया। एक्सक्यूज मी, 2 गानों के लिए बुलाया। वन वाज अलबेला सजन इन बाजीराव मस्तानी, और एक था एक दिल एक जान है, व्हिच वाज इन पद्मावत। पद्मावत, यस, जी 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 ओहो तो ब्यूटिफुल। सो भंसाली को एक तरफ रणवीर सिंह मिले थे और एक तरफ कुणाल पंडित मिले थे, राइट? लुक्स भी अरे ओह, मिलते दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जुलते हैं। हर म्यूजिशियन से ना, मैं कुणाल एक सवाल मैं पूछती हूँ। आप तो आज खैर बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम कर चुके हैं, फिल्म मेकर्स लाइक संजय लीला भंसाली की 2 फिल्मों में 2 बड़े गाने आपने गाए हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच गए हैं, यू आर देयर इन द इंडस्ट्री। अगर मैं शुक्रिया आपको शुक्रिया। थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, मतलब याद कीजिए वो दौर जब पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे कुणाल, तब ऐसा होता है ना हर सिंगर के लिए कि किसी बड़े आदमी से जब मुलाकात होती है तो लोग कहते हैं कुछ सुनाओ। हाँ, तो उस टाइम वो कोई किस्सा याद करके बताएं मुझे, और वो कौन सा गाना या क्या था जो सबसे पहले दिमाग में आता था? द होल मूड आई वॉन्ट टू नो। ये इस किस्से से तो मुझे मेरी फर्स्ट मीटिंग, मैं उनसे ज्यादा नहीं मिला हूँ, संजय सर से, संजय लीला भंसाली सर से, लेकिन जब मैं हाँ पहली दफा उनसे मिला था, तो वी वर कपल ऑफ सिंगर्स वहाँ, हम 6-7 सिंगर्स थे, हाँ और वो अपने बाजीराव मस्तानी के अलबेला सजन ट्रैक के लिए सिलेक्ट कर रहे थे हर अच्छा, सिंगर को। हाँ तो बहुत नर्वस था, हम 6-7 लोग खड़े थे और एक एक करके वो लाइन से सबको गवा रहे थे। मतलब आपका म्यूजिक रियलिटी शो चल रहा था।
हाँ जी वो एक तरह जी हाँ बिल्कुल रूम है उनका ऑफिस गुलमोहर में। तो मेरा तीसरा या चौथा नंबर था और जैसे जैसे नंबर पास आ रहा था वैसे वैसे मैं थोड़ा डर और ज्यादा बढ़ रहा था। तो जब फिर मेरी बारी आई तो मैंने एक ठुमरी पेश की उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की, तो उनका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। मेरा फोकस एकदम गाने पे था मेरे, क्योंकि ऑलरेडी जब बहुत सारे लोग गा रहे हैं सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, और जब प्रेशर बनता जा रहा है लाइक हाउ इट वर्क्स इन अ रियलिटी शो, सो इट इज क्वाइट अनरियल, तभी अपने नर्व्स पे काबू रख के गाना इतने बड़ी शख्सियत के सामने। तो मैंने गाया, मैंने कुछ लाइनें गाई और उन्होंने स्पेशली मेरा नाम पूछा वहां, उन्होंने मैक्सिमम लोगों से बात नहीं की थी बट उन्होंने मेरा नाम पूछा, उन्होंने मुझे बताया अरे बहुत अच्छा गाते हो, इनकी चीज गा रहे हो, क्या नाम है आपका, ये वगैरह। फिर श्रेयस को स्पेशली उन्होंने मेरे लिए कहा कि ये जो लड़का है, ये लड़का ऐसे। तो दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी मैन, लाइक आई वाज, मैं बहुत बहुत खुश हो गया था। ऑफ कोर्स क्या बात है। और फिर उसके बाद अलबेला सजन, हां जी हां, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी इस वक्त क्या चल रहा है? पिछले 5 से 7 साल से आई हैव बीन वर्किंग ऑन माय सॉन्ग्स इटसेल्फ, जैसे मैं अपने गाने बना रहा हूं और बस यही चल रहा है कि अपने गानों को किस तरह पहुंचाया जाए पूरी दुनिया तक। और मैं हर नॉट बिकॉज मैं हर जोन क्रैक करना चाहता हूँ, बट बीइंग अ म्यूजिक प्रोड्यूसर इट गिव्स मी एन एज टू यू नो प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, और मैं वर्ल्ड म्यूजिक में रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो यस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रैक्स आने वाले हैं और आ रहे हैं, जिसमें हिप हॉप, R&B, सेमी क्लासिकल इन्फ्यूजन या ट्रैप, ब्लूज, बहुत सारा कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ, खुद ही लिखता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ, आई हैव अ टीम ऑफ पीपल एज वेल, सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, वी आर वर्किंग ऑन लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, एंड दैट इज माय ओनली क्राइटेरिया इन लाइफ एज सच, कि बस मेक योर ओन गुड म्यूजिक एंड जस्ट कीप परफॉर्मिंग एंड जस्ट कीप स्प्रेडिंग लव ऑल ओवर, और अपने इमोशंस और अपनी चीज लोगों तक कनेक्ट हो, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। इनका जो सबसे फेमस गाना, मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो रहा जो आपने संजय लीला भंसाली की फिल्मों के लिए गाया, अलबेला सजन एंड एक दिल है। सो ये जो तासीर है इन गानों की, उन गानों से ऐसा लगता है कि आपको शायद सूफी या वो जो स्लो जो गाने हैं उस जॉनरा में लोग इजिली डाल सकते थे, बट यू आर ट्राइंग टू चेंज योर इमेज कि आप सब कुछ गा सकते हैं। एम आई राइट? इफ नॉट देन जस्ट करेक्ट मी। मैं सच कहूं तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह रही कि इट जस्ट मैं खुद आज जब एनालाइज करता हूं कि मैं कहां से किस जॉनर से कहां आ गया हूं, सो समटाइम्स आई आल्सो रियलाइज कि अरे तू तो यार क्लासिकल गाता था, तुम तो खाली गजल गाते थे ऐसा, बट बिकॉज वर्ल्ड म्यूजिक मैंने जब स्टार्ट किया उसके बाद मेरा माइंड बहुत ज्यादा ओपन हो गया, इट ज्यादा मेरा पर्सपेक्टिव वाइड हो गया टूवर्ड्स यू नो एक्सेप्टिंग मुझे हिप हॉप म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था। अच्छा जी हाँ, मैं जेबी नगर में रहता था, चकाला जेबी नगर, एंड दैट इज द हब ऑफ यू नो हिप हॉप म्यूजिक, जैसे डिवाइन जहाँ से है, डिवाइन मेरा भाई 059 जेबी नगर, सो हम सब दोस्त थे, हम लोग बहुत बचपन के दोस्त थे, और जेबी नगर में हिप हॉप का एक बहुत ही खतरनाक कल्चर था कि हम जितने भी लड़के थे वो अलग अलग जगह जाके हिप हॉप नाइट्स में परफॉर्म करते थे, जैसे या फिर विवियन डिवाइन परफॉर्म करता था या कोई और परफॉर्म करते थे वहाँ के, तो जेबी नगर का कल्चर ही ऐसा था, तो मैं हिप हॉप में भी था एट द सेम टाइम इटसेल्फ, जैसे हमारी ड्रेसिंग वगैरह पूरी हिप हॉप, और मतलब बहुत 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 ज्यादा मिक्स मेरा कल्चरली देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस रहे। रिलीजियसली भी बात करें तो मैं हर धर्म को बहुत ज्यादा मानता हूँ, मैं हर धर्म की मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ हर जगह से अच्छी चीज सीखूं, दो बात सीख जाऊं और मेरी जिंदगी सवर जाए तो उससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं। बहुत बड़ी बात कही आप। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा आपके म्यूजिक को समझ के, एंड द विजन, द काइंड ऑफ विजन फॉर म्यूजिक यू हैव इज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच कुणाल कि आप मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे बने और इतने खूबसूरत गाने सुनाए और इतनी खूबसूरत बातें हमारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, बिग शाउट आउट टू रानी वंस अगेन, थैंक यू सो मच टू बिग FM 92.7 फॉर हैविंग मी हियर, प्लेजर बीइंग हियर, बी गुड।
92.3।